जब भी आपका कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाने का मन करे तो ये यमी वाले हनी चिली पटेटोज को आप बना सकते हो। जब भी घर पे बनाते हैं तो कई बार ये सॉगी हो जाते हैं, परफेक्ट नहीं बनते, तो ऐसे बना लेना, एकदम परफेक्ट बनेंगे, सुपर क्रिस्पी रहेंगे। कोई भी पार्टी हो आप इसे सर्व करना, सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए एक सॉस बनाया जाता है और पटेटोज को कैसे फ्राई किया जाता है, कैसे कोटिंग की जाती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना और ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है। आलू को एकदम अच्छे से छीलने के बाद इस तरीके से हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा था। दोस्तों रेसिपी को पूरा का पूरा देखना, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर फॉलो भी ज़रूर कर लेना। आलू को इस तरीके से कट करने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें चावल का आटा भी ऐड करेंगे इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए। इसमें एक चम्मच के करीबन कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जब तक हमारे जो आलू है वो एकदम अच्छे से कोट ना हो जाए। तो आप देख सकते हो हमारे आलू जो एकदम अच्छे से कोट होकर तैयार हो गए। अभी इसको एक एक करके ऑयल में इस तरीके से हमें ऐड करना है और पहले 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में कुक करना है ताकि जो हमारे आलू है वो अंदर से कच्चे नहीं रहे और बाहर से एकदम क्रिस्पी रहे। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कुक करना है और आप देख सकते हो हमारे क्रिस्पी पटेटोज बनके तैयार हो गए। अब आगे के पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें एक बड़े चम्मच के करीबन ऑयल ऐड कर दिया है, साथ ही साथ इसमें लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड कर दिए। इसमें हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे जैसे कि कैप्सिकम और अनियंस। ये दोनों वेजीज ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर मुझे वेजीज बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैंने ऐड किया है। इसे ऐड करने के बाद इसमें हम टमेटो केचप ऐड करेंगे। वेजीज को मैंने 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कुक भी कर लिया था, साथ ही साथ इसमें रेड चिली सॉस, शेजवान सॉस और सोया सॉस ऐड करना है। इसमें हम विनेगर भी ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद। ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद इसमें हम कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर भी ऐड करेंगे। मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड कर लिया था और इसे एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर लिया। इसे 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है। फिर इसमें हनी ऐड करना है और साथ ही साथ जो हमारे पटेटोज थे क्रिस्पी वाले उसको भी इसमें ऐड कर देना है। जब आप सर्व करो तभी इसको ऐड करना है, क्योंकि जब आप इसमें ऐड करोगे तो जो हमारे पटेटोज है वो थोड़े थोड़े सॉगी होना चालू हो जाएंगे। इसे ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसमें सेसमे सीड यानी कि तिल ऐड करेंगे जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, आप भी रोस्ट करके ऐड करना। साथ ही साथ इसमें स्प्रिंग अनियन ग्रीन यानी कि कांदा पात ऐड करने के बाद मिक्स करना है और हमारे यमी वाले हनी चिली पटेटोज बनके तैयार है। दोस्तों ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करोगे तो मेरे साथ फोटो शेयर करना, मैं अपनी स्टोरी पर हाईलाइट करूँगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो यमी यमी लिखकर ज़रूर बताना। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक इसको ट्राई करें।